हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस फिट है। गाइस, आज इस वीडियो में जो मैं आपको यहां पे करके दिखाने वाला हूं वो किसी मैजिक से कम नहीं है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोगों ने ये टास्क परफॉर्म कर रखा हो, लेकिन अगर नहीं कर रखा है तो आज इस वीडियो की मदद से आप अपने एंड्रॉइड फोन से अपने सिस्टम को कंट्रोल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे प्रैक्टिकली पहले वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप की स्क्रीन को, और यह है मेरा फोन और यह है मेरे फोन की स्क्रीन। इसको अगर मुझे एज ए ट्रैक पैड, लैपटॉप के ट्रैक पैड की तरह यूज करना हो तो कैसे करूंगा? अब देखिए, मैं यहाँ पे फिंगर मूव कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, तो वहां पर मेरा एरो जो है वो मूव हो रहा है। अब जैसे सपोज मुझे गूगल क्रोम ओपन करना है, तो जस्ट मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस तरीके से डबल टैप करूंगा तो मेरा गूगल क्रोम यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो गया है। मुझे इसको क्लोज करना है, मैं क्लोज बटन पे जाऊंगा, डबल टैप करूंगा, क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत इजीली मैं यहाँ पे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ अपने सिस्टम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंप्लीट सपोज माउस की एब्सेंस में मैं अपने फोन से अपने पीसी को, अपने लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता हूँ अपने एंड्रॉइड फोन से। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन जूम करनी है तो आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन की तरफ, मैं यहाँ पे स्क्रीन को जूम भी कर सकता हूँ इस तरीके से, यहाँ पे अपने एरो को मूव भी कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैं अपने सिस्टम से थोड़ा सा दूर बैठा हूँ और मुझे अपने सिस्टम को कंट्रोल करना है या फिर कोई आइकन वगैरह देखना है, तो जस्ट मैं इस तरीके से जूम इन और जूम आउट इस तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है। बात करते हैं अगले फीचर की। ठीक है, ये तो हो गया कि हमने अपने सिस्टम को कंट्रोल कर लिया। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपने फोन को एज अ रिमोट आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपके पास स्लाइड्स मूव करने का भी ऑप्शन आता है, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा जब मैं इसको आपके सिस्टम इंस्टॉल करवा के बताऊंगा। देन इसके बाद अगर आपको म्यूजिक सुनना हो तो म्यूजिक भी कंट्रोल आप अपने फोन से कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट फीचर है वो ये कि आप अपने सिस्टम को अपने फोन से ही शट डाउन भी कर सकते हैं। यानी कि अपने दूर बैठे हैं, अपने सिस्टम से थोड़ा दूर बैठे हैं, तो जस्ट अपने फोन को आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं रीस्टार्ट कर सकते हैं, लॉग ऑफ करना चाहते हैं लॉग ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन करना चाहते हैं शट डाउन कर सकते हैं। कैसे, चलिए बताता हूं मैं आपको। मेरे सिस्टम को आप देख और मैंने यहां से दबाया शटडाउन का बटन इस तरीके से और शटडाउन ओके कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पे मेरा सिस्टम यहां पे शटडाउन हो गया। ठीक है, मैं अपने फोन से बस इस सिस्टम को ऑन नहीं कर सकता, शटडाउन कर सकता हूं, क्योंकि ऑन करने के लिए मुझे पावर प्रोवाइड करने की नीड होगी। तो यहां पर कनेक्टिविटी का कोई माध्यम नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं इसको ऑन नहीं कर सकता, शटडाउन कर सकता हूं, रीस्टार्ट कर सकता हूं या फिर लॉग ऑफ कर सकता हूं या फिर हाइबरनेट भी कर सकता हूं। तो चलिए, ये टास्क कैसे परफॉर्म करेंगे इसके लिए अपने फोन और अपने पीसी में चलते हैं और उस स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं कि इस टास्क को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पीसी। तो गाइस, यहां पे हम अपने पीसी में और अपने फोन में आ चुके हैं। दोनों ही स्क्रीन आपको नजर आ रही है, पीछे मेरे पीसी की स्क्रीन नजर आ रही है और इधर आप तो देख सकते हैं मेरे फोन की स्क्रीन। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन से अपने सिस्टम को रिमोटली कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है। उस ऐप का क्या नाम है वो मैं आपको गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके बताता हूं। हम चलते हैं सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे। यहां पे हम गए गूगल प्ले स्टोर पे अपने फोन में और यहां पे लिखेंगे रिमोट लिंक। ठीक है, नीचे ऑटोमेटिकली आ गया है रिमोट लिंक, क्लिक कर हम सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने एक ऐप आ गई है। इसका आइकन आप देख लीजिए और नीचे किसके द्वारा बनाई गई है वो आप देख लीजिए, Zen UI Asus Hit Team। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल ऐप है, 4.1 स्टार रेटिंग है, लगभग 10 मिलियन से ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल पे हमने टैप किया और टैप करने के बाद कुछ ही सेकंड में ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। ज्यादा बड़ी ऐप नहीं है, 6.6 MB की ये ऐप है जिसको आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, आइकन इसका आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन पर मेरे यहाँ पे आइकन आ गया रिमोट लिंक। ठीक है, रिमोट लिंक के इस ऐप को मैं ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपसे एक एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, बैक आएंगे वापस और यहाँ पे स्किप ट्यूटोरियल करने के लिए यहाँ आपके पास यहाँ पे आएगा, तो आप स्किप कर सकते हैं। अब आपको अपने सिस्टम में भी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसकी मदद से आप दोनों ही डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन बिल्डअप कर पाए। तो आप कौन सी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए आप, यहाँ पे आपको एक लिंक यहाँ पे दे रहा है कि आपको कौन सी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे HTTP ठीक है /remotelink.asus.com। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ऐप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी है। तो चलिए चलते हैं ब्राउजर पे, टाइप करते हैं http://remotelink.asus.com। ठीक है, remotelink.asus.com। ठीक है, ये लिंक आपको विजिट करना है। विजिट करते ही आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि इस लिंक को अपने ब्राउजर में आप एंटर करेंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट आपके सिस्टम में एक टूल यहाँ पे डाउनलोड के लिए आ जाएगा कि भाई डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है, zip फाइल है, ठीक है, 72.3 MB की है, इसको मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं, ये डेस्कटॉप पे आप देख सकते हैं, ये जो zip फाइल है यहाँ पे डाउनलोडेड है, इसको जस्ट आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे आपके सामने फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपके सामने एक सेटअप है, इसको आपको डबल क्लिक करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल हो जाएगा ये, आप देख सकते हैं इस तरीके से इंस्टॉल होगा, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, बस वन टाइम प्रोसेस है। इसके लिए आपको किसी तरीके के इंटरनेट की जरूरत नहीं है, अपने फोन से अपने सिस्टम को कनेक्ट करते टाइम, ठीक है। तो जस्ट आपको एक बार दोनों में एक कम्युनिकेशन मीडियम बिल्डअप करना है सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन की हेल्प से। यहाँ पे आप देख सकते हैं Asus स्मार्ट जेस्चर, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, जहां पे इंस्टॉल हो रहा है इंस्टॉल होने देंगे, नेक्स्ट करेंगे, देन नेक्स्ट करेंगे, और यहां पे ये इंस्टॉल हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्लोज कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है एक बार रीस्टार्ट यहाँ पे मांग रहा है, तो आप इसको रीस्टार्ट कर लेंगे अपने सिस्टम को, जिससे कि रजिस्ट्री वगैरह जो भी है वो बिल्डअप हो जाएगी। तो मैं अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो रीस्टार्ट करने के बाद हम वापस से यहाँ पर अपने सिस्टम में आ चुके हैं, और यहाँ पे जब आप देखेंगे टूल बार में, तो यहाँ पे आपके सामने Asus स्मार्ट जेस्चर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन कि जो टूल है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें अपने सिस्टम को अपने फोन से ऑपरेट करने के लिए जरूरत है कि हम यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस को किसी एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्ट करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे फोन में यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ। तो आप चाहें तो अपने फोन को और अपने सिस्टम को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। वाईफाई से कैसे कनेक्ट करेंगे, दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर आपके घर में राउटर है जिसकी मदद से आप सभी डिवाइसेस अपने घर में कनेक्ट रखते हैं, लाइक फोन पीसी सभी कनेक्ट करते हैं, तो वो भी एक कॉमन नेटवर्क है जिससे आपकी सभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अगर आपके घर में राउटर नहीं है तो आप अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। सेटिंग में गया मैं, नेटवर्क एंड इंटरनेट में गया, ठीक है, और यहां पर हम टेथरिंग एंड मोबाइल हॉटस्पॉट और मोबाइल हॉटस्पॉट को इस तरीके से ऑन कर देंगे। यहाँ पर आपके मोबाइल डिवाइस में मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन होगा और उधर आपके सिस्टम में यहाँ पे सर्च होके आ जाएगा। तो जो मेरे फोन का जो मोबाइल हॉटस्पॉट नाम है वो है बज ऑफ, ठीक है, आप देख सकते हैं बज ऑफ। यहाँ पर मैं जो मोबाइल नेटवर्क है उसको भी ऑफ कर देता हूँ, जिससे कि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि यहाँ पर आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने टर्न ऑफ मोबाइल डेटा कर दिया है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोबाइल डेटा मेरा यहाँ पे टर्न ऑफ है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको कंट्रोल करेंगे। अपनी रिमोट लिंक की ऐप हम यहाँ पे ओपन करते हैं। हमारा फोन और हमारा पीसी एक कॉमन नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका नाम है हमारे फोन का हॉटस्पॉट, ठीक है। आप चाहे तो राउटर भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर ब्लूटूथ के थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बज ऑफ से कनेक्टेड लिखा आ रहा है। अब हम यहाँ पे सर्च डिवाइस करेंगे, क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड है तो वाईफाई यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, देन हम यहाँ पे सर्च डिवाइस करेंगे। सर्च डिवाइस करते ही यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप का नेम यहाँ पे आ गया है, डेस्कटॉप जो भी इसका नेम है, सीरियल नंबर वो है, ठीक है। कनेक्ट होने के बाद डायरेक्ट आपके पास नेम आएगा, आप सिलेक्ट डिवाइस करेंगे। सिलेक्ट डिवाइस करते ही आपका फोन हल्का सा एक बार वाइब्रेट करेगा, और दैट मीन कि आपका फोन कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो कनेक्ट हो चुका है, और स्क्रीन आप देख रहे हैं मोबाइल पे, यहाँ पे इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी, आपको मैं यहाँ पे इस तरीके से भी दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा एक ट्रैक पैड की तरह वर्क करेगा, जब मैं इस पे इस तरीके से फिंगर घुमाऊंगा तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको मूव कर पा रहा हूँ, ओके। और इस तरीके से हम जूम इन जूम आउट करेंगे, आप देख सकते हैं नीचे जूम इन जूम आउट का यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फोन की स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं, और पीछे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है वो ऑपरेट हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे स्लाइड पे आते हैं। अगर आप कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और उसको आप अपने फोन से ऑपरेट करना चाहते हैं, एज रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं, और अपने फोन से ही चाहते हैं कि आप स्लाइड आगे पीछे कर ले, तो किस तरीके से करेंगे मैं यहाँ पे आपको एक स्लाइड ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम एक स्लाइड ओपन कर लेते हैं, इसको मैंने अपने फोन की हेल्प से ही ओपन किया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्लाइड शो कर लेते हैं। मैं पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं माउस का यूज नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी स्लाइड रन हो गई है, मैं स्लाइड ऑप्शन में गया, आप दिन देखा यहाँ पे नीचे, मैं आगे पीछे इस तरीके से कर सकता हूँ, आप देख सकते हैं स्लाइड यहाँ पे चेंज हो रही है, यहाँ पे आपके सामने एरो बटन आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड स्लाइड यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया एक फीचर स्लाइड का। तीसरे फीचर की बात करते हैं, सबसे पहले हम इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है, इससे बाहर आ गया मैं, डबल टैप करके और हमने स्लाइड को यहाँ पे
क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं अब तीसरे ऑप्शन पे, यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल आप कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड का आपके पास यहाँ पे बटन है, वॉल्यूम कंट्रोल का आपके पास बटन है, नीचे प्ले पॉज का यहाँ पे बटन है, और आगे इसको आपको कैसे मूव करना है वो भी बटन है, लूप में चलाना है तो उसका बटन है, रैंडम चलाना है तो उसका भी बटन है, तो सभी चीजें यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो चौथा बटन है उस पर चलते हैं, यहाँ पे आप चौथा बटन देखिए आप यहाँ पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो में दिखाया था, यहाँ पे आपके पास पांच बटन आते हैं, स्लीप मोड में अपने सिस्टम को डालना है तो स्लीप बटन दबा देंगे, हाइबरनेट में डालना है तो हाइबरनेट दबा देंगे, रीस्टार्ट दबाना है तो रीस्टार्ट दबा देंगे, शटडाउन करना है तो शटडाउन दबा देंगे, लॉग ऑफ करना है तो लॉग ऑफ दबा देंगे। तो ये पांचों ऑप्शन का आप यूज ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे इसलिए परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे सिस्टम की रिकॉर्डिंग यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पांच बटन आ जाते हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। आई होप कि इस तरीके से आप अपने सिस्टम को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फोन से, काफी हेल्पफुल हो जाता है। खासतौर से मेरे काम जो आता है ये ट्रिक, मैं प्रेजेंटेशन के काम में लेता हूँ, जब भी मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है तो मैं अपने फोन से ही ऑपरेट कर लेता हूँ। थोड़ा सा दूर खड़े होकर भी हम किसी को एलैबोरेट कर सकते हैं एज मोबाइल को एज रिमोट यूज करके। तो गाइस आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये जरूर बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।